सो so, ये चैप्टर से पहले आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो हैं ना हम लोग ऑलरेडी कितने सारे चैप्टर्स कर चुके हैं फाइव चैप्टर्स कर चुके हैं ये सिक्स नंबर चैप्टर होने वाला है इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन केमिकल बॉन्ड ये सब के बारे में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों क्योंकि अभी क्या है ना ये सब आप बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हायर क्लासेस में आप इसी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ोगे तो अगर अभी ध्यान दे दोगे ना अच्छे से अभी अगर ट्राई करोगे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का आगे चल कर दिक्कत नहीं होगा तो अभी ना ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना ताकि आगे चल के अगर आप साइंस स्टूडेंट बनते हो लाइक अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो आगे स्टडी करते हो तो आपको दिक्कत ना हो ठीक है ओके सो बच्चों Uh, मैं आपको बता दूं मैथ्स मास्टरी के बारे में आपको पता होगा मैथ्स मास्टरी बहुत जन को पता होगा और जिसको नहीं पता है वो जान लो बच्चों कि मैथ्स मास्टरी एक एक कोर्स है मैथ्स के ऊपर एक कोर्स है मैथ्स के ऊपर इन द सेंस आप अपने बुक में जितने भी चैप्टर्स देख रहे हो ना कंटेंट्स मैथ्स में उसी को ही मैं उस मैथ्स मास्टरी में पढ़ा रही हूँ ठीक है वही सब चैप्टर्स को लाइक जो आप ट्यूशन पढ़ते हो मैथ्स का अलग से अलग से आप पे करते हो उसके लिए तो आपको मैथ्स मास्टरी में ना वही सब जो चैप्टर्स है उसी का आपको लेसेंस मिल जाएगा ठीक है तो बच्चों ये कोर्स है जो कि बेसिकली आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया है इसी साल मैंने स्टार्ट किया है ताकि आप लोग जो जो इंटरेस्टेड हो जिनको मैथ्स मतलब जिनको अपना प्राइवेट ट्यूशन जैसे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या फिर स्कूल में तो चलो मैं समझती हूँ क्योंकि हम लोग भी वो स्टेज से गुजर चुके हैं कि स्कूल में भी उतना डाउट क्लियर नहीं हो सकता है नहीं हो पाता है और ऐसा होता है कि हाँ ट्यूशन में होता है लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ स्ट्रेंथ कितने है ना क्योंकि बच्चों देखो अगर आप प्राइवेट कोई टीचर को पर्सनली बुला के पढ़ते हो तो वो बात अलग है लेकिन सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो लोग अपना अलग इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़े बहुत ज़्यादा और उसका कॉस्ट पड़ जाता है महीने का बच्चों थ्री थाउजेंड कोई कोई ढाई हज़ार ऐसा कुछ लेता है हमारा जो मैथ्स कोर्स है ना बच्चों ये मैथ्स मास्टरी ये आपको एक ही बार पे करना है साल भर का इसका है बच्चों अभी फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ डैट मीन्स वन ठीक है मतलब ये आप एक ही बार पे करोगे और आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स के लेसन्स यहाँ पर देखने को मिले मिलेगा तो बच्चों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मैथ्स मास्टरी में एनरोल करने के लिए तो उसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं अगर आप अभी तक नहीं करे हो और आपको करना है तो आप लोग लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हो ओके नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ओके बच्चों केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन क्या होता है देखो आप लोग देखे हो ना हमारे एनवायरनमेंट में कितने चेंजेस होते हैं कितने सारे केमिकल चेंज होते हैं जैसे कि बाई चांस आप लोग ना बाई चांस क्या आप लोग देखना आपकी मम्मी लोग दही जमाती है तो वो दूध से दही कन्वर्ट होता है होता है ना तो वहाँ भी बच्चों केमिकल चेंज दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन होता है कुछ कुछ अंदर ही अंदर ठीक है जैसे कि गार्बेजेस जलते हैं लकड़ी जलता है कोयला जलता है कोयला जलने के बाद आप लोग देखना आगे निकलता है धुआं निकलता है फायर एश मतलब अलग अलग चीज़ें निकलती फायर एश तो यहाँ नहीं बोलना चाहिए जैसे कि देखना वो टायर जलता है तो वो ब्लैक ब्लैक धुआं सूट बोलते हैं उसको एस डबल ओ टी सूट वो निकलता है मतलब कितनी सारी चीज़ें निकलती है तो वो कैसे निकल रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है समझ में आया सब केमिकल रिएक्शन हो रहा है आप लोग पेपर जलाओ आप लोग लकड़ी जलाओ आप लोग कोयला जलाओ सब जगह केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर केमिकल चेंज होता है ठीक है क्योंकि वहाँ पर केमिकल चेंज होता है आप लोगों को पता है केमिकल चेंज क्या होता है एक ऐसा चेंज होता है जिसमें हमेशा नया सब्सटेंस देखने को मिलता है तो अगर आप लोग कोयला जलाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को राख ऐश देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो नया चीज़ मिला है ना तो वो बच्चों केमिकल चेंज हो गया राइपनिंग ऑफ फ्रूट अगर आप लोग फल देख रहे हो फल कच्चा है थोड़ा दिन के बाद वो पक गया तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ है केमिकल चेंज हुआ है समझ में आया ना तो केमिकल चेंज ना हमारे चारों तरफ होता ही रहता है क्या हम लोग कोई चीज़ को ध्यान देते हैं कोई चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं समझ में आया और केमिकल चेंज जब कभी भी होता है ना दैट मीन्स उसके अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है याद रखना अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है दैट मीन्स वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़े हो ना केमिकल इक्वेशन उसमें रिएक्शंस देख रहे थे तो वही है बच्चों ठीक है केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस मतलब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस लोग कन्वर्ट होते हैं वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस जैसे कि दो चीज़ हम लोग लिए हैं ये लोगों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये लोग मिल के चेंज हो गए रिएक्शन रिएक्शन जो भी किए किए और नया चीज़ मिल के मतलब नया चीज़ दे दिए तो यहाँ पर वही बोल रहा है केमिकल रिएक्शन क्या है ये एक प्रोसेस है जिसमें वन या मोर सब्सटेंस कन्वर्ट होता है वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस में ठीक है जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूँ केमिकल रिएक्शन का जैसे कि बच्चों हमारे पास दो चीज़ें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो यहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस है ये दोनों मिल के इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ और ये लोग तीसरा अलग सब्सटेंस दिए दैट मीन्स ये लोग वाटर दिए समझ में आ रहा है ये लोग क्या दिए ये लोग वाटर दिए तो इसको ना ऐसे करके आपको समझना है जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दो वन और मोर सब्सटेंस दे रिएक्ट विथ ईच अदर या इनके बीच में चेंजेस हो रहे हैं कुछ भी रिएक्शन हो रहा है एंड ये लोग चेंज हो रहे हैं ये लोग कन्वर्ट हो रहे हैं है, एक दूसरा नया सब्सटेंस में नया डिफरेंट सब्सटेंस में तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है आप लोग जो कोयला जलाते हो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है ठीक है बिकॉज कोल कन्वर्ट होता है नया सब्सटेंस में किसमें में किस में कन्वर्ट होता है कोल कोल कन्वर्ट होता है स्मोक हीट एंड ऐश में ऐश का मतलब क्या होता है ऐश्वर्या रहा नहीं ऐश का मतलब होता है बच्चों राख ऐश का मतलब क्या होता है राख होता है ओके सो बच्चों याद रखना कभी भी जैसे कि आपको ये सामने में केमिकल रिएक्शन दिख रहा है ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर दे रहे हैं तो पता है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर ना जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं एरो के पहले जो रहता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस ये सब को हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में ये लोग मिल के एक दूसरे के साथ कुछ कुछ रिएक्ट कर रहे हैं और फिर ये लोग इधर प्रोडक्ट दे रहे हैं ठीक है एरो के बाद में आर एच एस की तरफ प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पर पता है क्या हो रहा है जो आपको आपको जितने भी रिएक्टेंट्स दिखेंगे कोई भी रिएक्टेंट हो यहाँ पर पता है क्या होता है इनके जो एटम्स होते हैं ना जैसे कि हाइड्रोजन का एटम है ऑक्सीजन का एटम है ये लोग ना अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं ऐसे मतलब अगर ऐसे हैं पहले तोड़ मरोड़ के इधर से उधर ऐसे करके लग जाएंगे मतलब अपने आप को रीअरेंज करेंगे ये लोग अपने आप को रीअरेंज करते हैं रिएक्शन के समय तो फिर ये लोग जाके नया प्रोडक्ट देते हैं समझ में आया सो so, हमेशा याद रखना कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट्स के जो आइटम होते हैं वो लोग अपने आप को रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद वो लोग प्रोडक्ट्स देते हैं चाहे एक प्रोडक्ट दे चाहे दो प्रोडक्ट दे कितना भी प्रोडक्ट दे लेकिन वो लोग रीअरेंज करके ही प्रोडक्ट्स देंगे हुआ अब इस चैप्टर में मेन है बच्चों केमिकल बॉन्ड्स के बारे में अब ये बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को समझा दूंगी तो आप लोग आराम से कर पाओगे नाइन्थ में भी है टेंथ में भी है तो उसको ध्यान से सुनना अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है अब जैसे कि आप लोग सुने होगे ना एस का नाम अभी तो सुने हो पहले भी सुने हो एस ये एक टू तो कंपाउंड है है ना ये एक टू तो कंपाउंड है तो बच्चों ये कंपाउंड के अंदर में हाइड्रोजन के आइटम्स ऑक्सीजन के आइटम्स है, है ना तो ये एटम एटम लोग यहाँ पर मिल के एक साथ हैं तो पक्का जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड तो हो गया H2O इसके अंदर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में ना एक फोर्स तो ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इनको पकड़ के रखता है एक तो कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल में जैसे कि ये मॉलिक्यूल में लिख दी एच टू एस टू मॉिक्यूल नहीं है क्या है, है ना एटम्स लोग मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये लोग मिलके के एच टू बन रहे हैं तो ये हाइड्रोजन एटम के बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इन दोनों को पकड़ के रखा है इसी को बोलते हैं बच्चों बॉन्ड इस कंपाउंड में ये हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन के बीच में ना एक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो उनको पकड़ के रखा है और बॉन्ड बनाने में मतलब उनको पास रखने में मदद कर रहा है ठीक है तो हम लोग केमिकल बॉन्ड उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड होता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड्स द एटम्स और आयन्स टुगेदर इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में एटम्स और आयंस को पकड़ के रखता है जैसे कि अगर मैं बात करूंगी एन ए सी एल ये एक तो कंपाउंड हो गया एन ए सी एल तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे हम लोग जो केमिकल फार्मूला बनाते थे एन ए प्लस रहता है सी एल माइनस रहता है रहता है ना फिर ये लोगों का एक्सचेंज होता है क्या बोलो तो वैलेंसी एक्सचेंज होता है जो भी लेकिन यहाँ पर जो बोला है ना कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच बाइंड्स दी आयन्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड तो बच्चों ये कंपाउंड में आयन्स है कि नहीं है ये एन ए प्लस एक आयन हो गया और सी एल माइनस एक आयन हो गया ये लोग मिल के ऐसे साथ में तो इनको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पकड़ के रखा है पास पास रखा है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड क्लियर केमिकल बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये बच्चों होता है दो टाइप का ऐसे तो तीन टाइप का होता है पर आपके कोर्स में दो टाइप दिया है एक है आयनिक बॉन्ड एक है इलेक्ट्रोवाइलेंट सॉरी एक है बॉन्ड तो इससे रिलेटेड मुझे बच्चे लोग डाउट पूछ रहे थे बट बच्चों में नहीं पढ़ाई थी इसलिए मैं नहीं बताई थी ठीक है बट अब आप लोग देखो आप लोगों का जो भी डाउट्स होगा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ठीक है सो केमिकल बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स एक होता है आयनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवाइलेंट बॉन्ड बोलते हैं दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड अब ये होता है क्या एक एक करके समझेंगे सबसे पहले आयनिक बॉन्ड सबसे पहले आयनिक बॉन्ड तो बच्चों आयनिक बॉन्ड का आप लोग कैसे याद रखोगे डेफिनेशन इसका नाम देखो ये देखो ये, ये आयन लिखा हुआ है ना आयन तो ऐसे याद रखना आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो आयंस के बीच में बनते हैं क्योंकि यहाँ है पर नाम ही आयनिक है आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो आयंस के बीच में बनते हैं तो आयंस क्या क्या होते हैं कैटायन एंड एन, एनायन एन, एक प्लस वाला एक माइनस वाला तो प्लस वाला एंड माइनस वाले के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे आयनिक बॉन्ड समझ में आया तो सेकंड में मैं इसका डेफिनेशन लिखी हूँ यहाँ पर इट इज़ अ बॉन्ड फॉन्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन ऑपोजिटली चार्ज ऐसे नहीं कि प्लस प्लस को आप लोग बॉन्ड बना दोगे बच्चों लाइक चार्ज रिपेल करता है याद रखना है ना हम्म सो ये एक बॉन्ड है जो कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में प्रेजेंट होता है मतलब कैटायंस और एनायंस के बीच में प्रेजेंट होता है जैसे कि एन ए कैटायन हो गया सी एल एनायन हो गया ये ऑपोजिटली चार्ज आयन है इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इनको ऐसे पकड़ के रखता है और ये लोग मिलके के NACL देते हैं नमक बनाते हैं समझ में आया जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन करते रहो याद रखना ऐसे ही करते हैं वरना ना बैठे रहना आप लोग समझ में आए हम लोग भी ऐसे ही करते थे टीचर जो जो इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है बच्चों हर चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगी ये हर चीज़ आपके टीचर आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो लो लोग पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं तो वो हम लोगों का दिमाग होना चाहिए हम लोग कौन सा पॉइंट को पकड़ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं क्लियर ओके अब एक और इसका डेफिनेशन देखो बच्चों अब यहाँ पर ये एन ए प्लस जो है ठीक है ये एन ए प्लस जो है ये सोडियम है मतलब सोडियम आयन है एक बार आयन को छोड़ो ये कौन सा एलिमेंट है सोडियम सोडियम मेटल होता है ये सी एल क्लोरिन नॉन मेटल होता है तो आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के ही बीच में बनता है हमेशा आयनिक बॉन्ड जो होता है वो वो बॉन्ड है जो कि बनता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड क्लियर और यहाँ पर एक और चीज़ होता है क्या होता है कि कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में ऐसे बॉन्ड बनता है ना तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं कैसे ये तो मुझे बताना पड़ेगा कैसे होते हैं वो तो मुझे बताना पड़ेगा एक मिनट हाँ अच्छा उसको मैं एग्जाम्पल से बता दूंगी ठीक है एग्जाम्पल अभी बताऊंगी ना उसमें बता दूंगी ठीक है तो मतलब ये भी एक डेफिनेशन है क्योंकि बच्चों देखो आप लोग पढ़े हो ना कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है अच्छा मेटल के बारे में नहीं पढ़े हो मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन पढ़े हो ना तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पढ़े हो लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में नहीं एटमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो शायद ठीक है दोनों में दोनों में थोड़ा बहुत तो थो पढ़े हो गए सो so, बच्चों मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल लेता है इसीलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि ये बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल से क्योंकि मेटल देता है इलेक्ट्रॉन मेटल से ट्रांसफ़र होकर नॉन मेटल के पास जाता है तो यही बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और बच्चों एक और चीज़ मैं बता दूँ ये जो बॉन्ड बनता है ना जो ये लोग बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने का क्या रीज़न है तो बच्चों बॉन्ड बनाने का बहुत सारा रीज़न है एक्चुअली मैं एक पेपर देख रही हूँ पेपर मिल जाएगा ना तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँगी सब पता है मिला जुला रहता है बच्चों आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो वो आप लोग पहले क्लास में भी पढ़े होंगे पहले इन सेंस अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चैप्टर का जैसे इकैटमिक स्ट्रक्चर हो गया ये सब में पढ़े हो ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं अब जैसे कि मैं आप लोगों को एनिक बॉन्ड के बारे में बता रही हूँ तो एनिक बॉन्ड बनता है ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में तो ये आयन किससे बना है ये मेटल से बना है सोडियम मेटल से और ये क्लोरीन वाला नॉन मेटल से बना है सोडियम से बना है क्या सोडियम से बना ये कैटायन प्लस वाला और क्लोरीन से बना है ये एनायन इसलिए तो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में हो गया अब ये बॉन्ड होता है अभी ये नॉन मेटल है अब आप लोगों को डेफिनेशन जो पढ़े हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है सोडियम मेटल है है ना आप लोगों को पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगोरेशन टू एट वन होता है टू एइट वन होता है तो ये मेटल है इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा डेफिनेटली छोड़ेगा देखो बच्चों सब चीज़ में पढ़ाई हूँ ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग मैं सब पढ़ाई हूँ आपको पता होना चाहिए कि येस सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है ठीक है तो सोडियम अपना वन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा अपना वन इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज़ कर रहा है क्योंकि ये चाहता है कि इसके बाहर में एट आ जाए इसके बाहर में ये एट कब आएगा जब अपना ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा है ना तो ये स्टेबल हो जाएगा नॉबल गैस जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरे कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा है कि नहीं इसके पास में नॉबल गैस कौन है इसके पास में नॉबल गैस नियोन है नियो नॉबल गैस तो कैसे करते हैं किसी से मतलब नहीं किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे मस्त उनके बाहर में एट एट रहता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम ठीक है तो वो लोग क्या है ना सारे एटम्स लोग सारे एलिमेंट्स लोग जलते हैं उनसे वो लोग बोलते हैं कितना मस्त जिंदगी है ये लोग का आराम आर से बैठे हुए हैं ना कोई काम करना है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है काश हम लोग भी इनकी तरह होते तो इनको मौका मिलता है ये लोग जब बॉन्ड बनाते हैं ना दूसरे एलिमेंट्स लोग तो तब इनको मौका मिलता है नॉबल गैस जैसे बनने का तो ये लोग या तो अपने इलेक्ट्रॉन को दे के बन जाते हैं उनके जैसे या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जाते हैं तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे के बनता है तो ये सोडियम मेटल है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके बाहर में देखो बस इतना ही रह जाएगा एन प्लस का है कि नहीं तो बच्चों और क्लोरिन भी क्लोरीन का एक्चुअल में होता है टू एट सेवन अब क्लोरीन नॉन मेटल है ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए वन चाहिए एट माइनस सेवन वन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम छोड़ता है ना यहाँ से ट्रांसफ़र होता है ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है जब इसके पास चला जाता है तो यहाँ पर एट हो जाएगा है कि नहीं ये हो जाएगा टू एट एट तो ये भी बच्चों नॉर्बल गैस जैसा हो गया क्लोरीन के पास नॉर्बल गैस होता है आर्गन और ये आर्गन जैसा इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो जब भी बॉन्ड बनता है तो ये जो आयन्स लोग आते हैं ये जो मेटल नॉन मेटल एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेना देना करते हैं क्यों करते हैं क्वेश्चन आता है ये चीजें कि एटम्स लोग मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को ट्रांसफर कर रहा है बॉन्ड बना रहा है तो इसके मेन मोटिव क्या है क्यों ये लोग ऐसा करते हैं बच्चों स्टेबल होने के लिए अपने पास वाले नॉबल गैस की जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन पाने के लिए समझ में आया इनके पास में जो नॉबल गैस है उनके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए ये लोग ये ताम करते हैं क्लियर सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनादर एटम टेक्स प्लेस वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वन एटम मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ क्यों ताकि ये दोनों दोनों का बात हो रहा है मेटल का भी नॉन मेटल का भी दोनों चाहते हैं ना स्टेबल होना ताकि ये दोनों के एटम्स लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अचीव कर सके किसकी तरह अपने नियरेस्ट नॉर्बल गैस की तरह क्लियर अब ये चीज़ आपको पता है कि मेटल जो होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है दे देता है और इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन पढ़े है ना हम लोग सोडियम है मेटल है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है टू एट वन ठीक है ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले दे देगा लूज कर देगा तो लूज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये हो गया एन ए प्लस ये कैटायन बन गया समझ में आया और बच्चों ये जो कैटायन बना है ना इसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन भी बोल सकते हैं जो जितने भी कैटायन आपको दिखते हैं सब में पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं या फिर कैटायन याद रखना ये सब चीज़ें ठीक है और नॉन मेटल्स क्या करता है नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है अब नॉन मेटल्स में एग्जाम्पल हम लोग वही क्लोरिन का ही ले लेते हैं क्लोरिन का होता है कितना टू एट सेवन तो बच्चों देखो इसके बाहर में सेवन है इसको लेना है इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी चाह रहा है कि भाई मेरे बाहर में भी एट हो जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हम लोगों को कैसे पता चलता है एक फार्मूला था ना एट माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन है है ना तो उसका वैलेंसी का पता करने का भी ये फार्मूला है और यही इससे ही पता चलता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा तो बच्चों इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये एक ले लेगा सोडियम अपना देगा ना निकाल के ये पकड़ लेगा उसको ठीक है तो ये बन जाएगा एन आयन क्योंकि नॉन मेटल्स लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद बन जाते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन जिसको हम लोग बोलते हैं एन आयन इसको आप लोग इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन भी बोल सकते हो क्लियर इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हुआ मैं यहां पर ये यह सब लिखी हूँ ताकि ना आप लोगों को मैं समझा सकूं और बच्चों इससे पहले हम लोग ये सब डिटेल में पढ़े हैं आप लोग ये मत समझना कि मैं एकदम स्किप कर दे रही हूँ समझा नहीं रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इससे पहले चैप्टर में आप एटमिक स्ट्रक्चर में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में मिला जुला के डिटेल में पढ़े हैं वो अगर देखे जो बच्चे देखे हैं उनको पता है और जो नहीं देखे हैं वो लोग पता नहीं फिर ना वो लोग बोलोगे अरे मैडम तो करा नहीं रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है समझ में आया अभी अभी बच्चों आयनिक बॉन्ड बनता है हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में याद रखना याद रखना जैसे कि यहाँ पर एन दिया है एन एक कंपाउंड है क्वेश्चन आएगा एन के बीच में कौन सा बॉन्ड है तो आप लोग देखो कि सोडियम मेटल होता है क्लोरीन नॉन मेटल होता है तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है याद रखना हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड अगर एक तो और एग्जाम्पल से पूछेगा एम जी सी एल टू मैग्नीशियम क्लोराइड बोलेगा इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है तो बच्चों मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन कौन है नॉन मेटल तो मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड आयनिक बॉन्ड क्वेश्चन आता है दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पर ठीक है अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एन कि आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है दोनों के बीच में मतलब एन कैसे बन रहा है सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट कॉमन सॉल्ट कैसे बन रहा है तो बच्चों देखो मैं आपको यहाँ पर करके बता दूँ तो सही रहेगा अभी जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम है क्योंकि एन है तो एक बार सोडियम को लिखेंगे एक बार हम लोग क्लोरिन को लिखेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है टू एट वन हम लोग लिख दिए क्लोरीन का होता है टू एट सेवन लिख दिए ठीक है इसके लिए एटमिक नंबर याद होना ज़रूरी है अब हम लोग को पता है कि सोडियम मेटल है तो वो अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को दे देगा उसके आखिरी शैल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देगा तो इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है वन तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा देखो मैं एरो बनाई हूँ यहाँ तो टेढ़ा हो गया था मेरे को डायरेक्ट ऐसे बनाना था ठीक है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा अब क्लोरिन को देखो क्लोरिन के बाहर में सेवन है क्लोरिन को एक एक चाहिए और तो वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ट्रांसफ़र होके उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है कौन क्लोरिन कर रहा है समझ में आया अब यहाँ पर देखो मैं कैसे बनाई हूँ अब जैसे कि यहाँ सोडियम है अब मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ अब जैसे कि बच्चों सोडियम है तो मैं एने लिख दी अब सोडियम के बाहर में मतलब आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा वही इलेक्ट्रॉन को बनाना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बनाना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना कहीं भी कर देना सामने सामने ईजी रहता है ठीक है प्लस अब क्लोरिन की बारी अब क्लोरिन के बाहर में कितना है सेवन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्लियर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना क्लोरीन को तो ऐसे एरो करके दिखा दो कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है क्लोरीन के पास तो बच्चों सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन सपोज दे दिया तो इसके पास बाहर में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा बिल्कुल भी नहीं बचेगा तो यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन बनाना नहीं है और सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके हो गया एन ए प्लस क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए एन ए प्लस पढ़े हो ये चीज़ें प्लस सी एल बनाओ सी का ये दो है ये दो था ये दो था ये एक था एक सोडियम का आ गया इसलिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग समझ सको ठीक है सोडियम से ये एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो ऐसे ब्रैकेट देके के यहाँ पर ऐसे माइनस लिख देना क्योंकि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कि ना तो ये हो गया बच्चों केट आयन ये हो गया एनायन क्लियर ये कैटायन है प्लस वाला ये हो गया एनआयन अब ये दो ऑपोजिट वाले हैं आपको पता है ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये ऑपोजिट ऑपोजिट जो आयन है ना ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा इतना क्लियर हुआ हाँ उसके बाद मैं ये अलग से रिप्रेजेंट क्यों ये मैं बता दूंगी ठीक है उसके बाद ये देखना है क्या देखना है ये जैसे कि ये इतना हो गया अब एन ए प्लस ये एन ए प्लस ये और ये सी एल माइनस ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयन है ये लोग एक दूसरे के पास आएंगे ऑब्वियसली आएंगे क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन है ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और ये लोग बन जाएंगे एनए उसके बाद ऐसे प्लस माइनस हटा देना कंपाउंड बनते हैं तो प्लस माइनस कट जाते हैं ठीक है ये कंपाउंड बन गया एनए बन गया प्लस माइनस हटा देना और ये सब कुछ रिप्रेजेंट करने का दरकार नहीं है समझ में आया तो ये था सोडियम का आयन ये हो गया कैटायन ये हो गया एन आयन इनके बीच में बॉन्ड बना आयनिक बॉन्ड और हम लोगों को ये कंपाउंड देखने को मिल गया अब एक चीज़ मैं यहाँ रिप्रेजेंट की हूँ जैसे कि बच्चों देखो सोडियम आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है टू एट वन और ये मेटल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लू लेगा मतलब लूज करेगा कि नहीं करेगा डेफिनेटली करेगा तो अपना कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये लास्ट में कितना है एक इलेक्ट्रॉन तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बहुत जगह ऐसे एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वन नहीं लिखते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है थीके? तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो आपको पता है एनए प्लस बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज के एन ए प्लस बना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों टू और एट होगा कि नहीं क्योंकि यही सोडियम से ये बना है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन हट गया टू और एट हो गया ठीक है और क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना तो क्लोरीन का होता है टू एट सेवन क्लोरीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है देखो क्लोरीन यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए मैं प्लस लिखी हूँ सोडियम यहाँ से दे दे रहा था लूज कर रहा था इसलिए माइनस लिखी थी ठीक है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स में आए ऐड होंगे तो सी एन माइनस हो जाएगा बिकॉज वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एनायन बन जाता है ये हो जाएगा टू एट एट ये चीज़ क्लियर हो गया वही चीज़ को मैं यहाँ पर वो बुक में था ना उस टाइप से मैं मैंशन यहाँ पर कर दी हूँ क्लियर तो बच्चों आयनिक बॉन्ड ऐसे ही बनता है एनिक बॉन्ड ऐसे ही बनता है यहाँ पर एक और एग्जाम्पल होगा अच्छा मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ी शायद वो शेल के हिसाब से छोड़ी हो क्या शेल वाला तो नहीं है कोर्स में तो नहीं बताऊँ रहने देती हूँ ठीक है अब ये फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आप लोगों की बुक में ना वो एटॉमिक शेल्स के हिसाब से भी अगर एनिक बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहा है ना तो आप लोग मुझे बताना मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी ओके okay, अब एक और एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ये मैग्नीशियम और ये क्लोराइड मैग्नीशियम मेटल होता है क्लोराइड मतलब क्लोरीन से बना है नॉन मेटल तो इनके बीच में भी आयनिक बॉन्ड ठीक है सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम का लिख लेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन यहाँ क्लोरीन का लिख, लिख लिए लिख लिए अब देखो मैग्नीशियम अब हम लोग वो डॉट डॉट करके बताएंगे मैग्नीशियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दो तो मैं ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दी अभी क्लोरीन, क्लोरीन के बाहर में कितने सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अच्छा अब बच्चों आप लोग एक चीज देखो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है MgCl2, ये होता है ना कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ क्या तो बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा था मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ तो पहले ना आप लोग एक काम करना उसका फॉर्मूला लिख लेना फार्मूला आप लोग पढ़े हो कैसे करना है है ना फॉर्मूला बना लिए एम जी सी एल टू अब यहाँ देखो क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे नहीं बोलेगा शो द फॉर्मेशन ऑफ एम जी सी एल टू या फिर इसमें आयनिक बॉन्ड दिखाओ नाम दे देगा शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे तो आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि एम जी सी एल टू है मतलब दो टो क्लोरीन है कितना क्लोरीन है दो ठो क्लोरीन है तो मैं काम कर रही हूँ मैं चाहूँगी तो यहाँ पर इसके आगे भी सेम क्लोरीन को मैंशन कर सकती हूँ क्योंकि दो ठो क्लोरीन को करना है कर सकती हूँ दिक्कत नहीं है पर झगड़ा नहीं होगा शायद कर देते करें तो सी एल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया हो गया तो एम जी सी एल टू बोला था क्या बोला था हम लोगों को बोला था एम जी सी एल टू इसका फॉर्मेशन दिखाओ तो मैग्नीशियम एक है दो ठो क्लोरीन है तो मैं दो ठो क्लोरीन बना दी दोनों क्लोरीन का ऐसे ही होता है सेवन सेवन बाहर में होता है ठीक है अब बच्चों ये मैग्नीशियम मेटल है आप लोगों को पता है कहाँ गया ये रहा मैग्नीशियम का देखो बाहर में है दो इलेक्ट्रॉन तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा डेफिनेटली दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और यहाँ पर दो ठो क्लोरीन है इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए क्योंकि देखो बाहर में भी कितना है इसके सेवन है इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा सिमिलरली ये जो क्लोरीन है इसके बाहर भी सेवन है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए और मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है तो मैग्नीशियम बोलेगा अरे यहाँ तो दो तो क्लोरीन क्लोरिन दोनों को एक एक चाहिए तो मैं दोनों को एक एक दे देता हूँ तो मैग्नीशियम क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दे ये क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दे ये क्लोरीन को मैग्नीशियम को दो इलेक्ट्रॉन लूज करना है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक दे देगा दे इस क्लोरिन को एक दे देगा उस क्लोरिन को क्लियर तो मैग्नीशियम जब अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो कितना हो जाएगा एम क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस यहाँ पर बच्चों ये क्लोरीन को भी एक मिल गया ये क्लोरीन को भी एक मिल गया दैट मीन्स हमारे पास दो ठो क्लोरीन है ऐसे लिख सकते हो आप लोग ठीक है मैं ऐसे करके बना दी हूँ हमारे पास यहाँ पर दो ठो क्लोरीन है इसलिए टू सी एल और ये बच्चों माइनस हो जाएगा समझ में आया क्योंकि सपोज मैं एक क्लोरीन बनाई एक क्लोरीन हो गया सी एल माइनस और यहाँ पर टोटल दो क्लोरीन है इसलिए मैं आगे में टू लगा दी समझ में आया क्लोरीन गेन किया है इसीलिए माइनस यहाँ पर टू माइनस मत कर देना आप लोग सी टू माइनस करोगे रॉन्ग हो जाएगा क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है बोल के सिर्फ वन माइनस है समझ में आया आगे मैं दो क्यों लिखी हूँ क्योंकि टोटल दो टू एटम्स हैं क्लोरीन के यहाँ पर टू लिख दी दैट मीन्स हम लोग समझ गए समझ में आया ओके okay. अभी देखो ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो गए अब ये लोग पास पास आएंगे और ये लोग बॉन्ड बनाएंगे डायरेक्टली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो एम जी टू प्लस प्लस टू सी एल ऐसे माइनस भी लिख सकते हो ये लोग पास पास आके बनाएंगे एम जी सी एल टू तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड और यहाँ पर मैं क्या क्यों ना यहाँ पर सी नहीं बना के नीचे बना दी और इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दी हूँ तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों ठीक है अभी क्या है अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी देख लेते हैं देख लें देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे पहले उसी का देखते हैं तो बच्चों फार्मूला लिख लें मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप लोग साइड में बनाना क्रिस क्रॉस मैथड से एम आएगा यस yes, एम आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं तो बच्चों मैग्नीशियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू एट टू ये ऑक्सीजन है मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड डेफिनेटली ऑक्सीजन का टू एंड सिक्स ठीक है अच्छा ये मेटल है ये नॉन मेटल है ये लूज करेगा कितना लूज करेगा अपने दो इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा किसको दे देगा ऑक्सीजन को क्योंकि ऑक्सीजन बच्चों नॉन मेटल है इसको बाहर में आठ चाहिए एट होने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए टू इलेक्ट्रॉन चाहिए मैग्नीशियम जो टू इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको ये ले लेगा है ना सबसे पहले मैग्नीशियम बनाती हूँ मैं मैग्नीशियम के बाहर में दो इलेक्ट्रॉन्स बना दिए प्लस ऑक्सीजन बनाओ ओ बना दिए इसके बाहर में कितना है सिक्स है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्लियर मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीजन को चाहिए दो इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम क्या करेगा ना ये ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तभी जाके तो ऑक्सीजन के बाहर में एट हो जाएगा ऑक्सीजन जब ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके बाहर में एट नहीं हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ से आ जाएगा तो टू तो स्टेबल हो जाएगा तो मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिया तो वो हो गया एम जी टू प्लस प्लस ऑक्सीजन के लिए ओ लिखे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले सजा दो फिर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन आया है तो मैं जान मुझ के ना अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ठीक है तो अभी बच्चों ध्यान से देखो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन्स लिया है दो इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस तो ये मैग्नीशियम जाओगे तो नाम लिख सकते हो लिख देना अच्छा रहेगा मैग्नीशियम आयन और ये ऑक्साइड ठीक है ये ऑक्साइड ठीक है ये कैटायन ये एनायन ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे एम जी टू प्लस और O2- माइनस एक दूसरे के पास आके बॉन्ड बनाएंगे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और जो कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड रहता है ना उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड तो ये एक तो आयनिक कंपाउंड हो गया क्योंकि इस कंपाउंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है ठीक है अब दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लें सी बनेगा अब इसको भी हम लोग बना सकते हैं सबसे पहले कैल्शियम का लिखेंगे ट्वेंटी होता है के एल एम एन टू एट एट टू हो गया अब क्लोरीन टू एट सेवन ठीक है टू एट सेवन इतना हुआ अभी अब ये फॉर्मूला देखो थोड़ा ध्यान से सो 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 हाँ <coughs> अभी यहाँ पर सी टू है दैट मीन्स हम लोग को दो ठो क्लोरीन बनाना पड़ेगा कितना क्लोरीन बनाना पड़ेगा दो ठो ठीक है क्योंकि फार्मूला में सी टू है फॉमूला देख के ही सजाना पड़ता है तो पहले तो कैल्शियम बना देती हूँ उसके बाहर में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बार यहाँ पर सजा देती हूँ ऐसे कैल्शियम के बाहर में दो इलेक्ट्रॉन है भाई ये मेटल है ये नॉन मेटल है डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड बनेगा दो ठो क्लोरीन है यहाँ पर एक क्लोरीन सजा दो चाहोगे तो यहाँ एक सजा देना ठीक है सजा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है समझ में आया ओके okay, अभी ये क्लोरीन दोनों क्लोरीन के बाहर में सेवन सेवन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो जाती है सेवन सेवन अभी आपको पता है ये मेटल है क्लो कैल्शियम मेटल है कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा क्लोरीन को देगा ठीक है ना अब यहाँ पर ऐसे देखोगे तो आप लोग बोलोगे अरे कैल्शियम के पास तो यहाँ पर दो है और क्लोरीन को तो एक चाहिए तो ये एक तो इसको दे देगा पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तभी तो बच्चों फॉर्मूला देखने बोली दो क्लोरीन है तो दोनों को एक एक देगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये देगा इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देगा ये इस क्लोरीन को ठीक है तो कैल्शियम अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन गया सी ए टू प्लस बन जाएगा दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया प्लस ये क्लोरीन बनाई मैं इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर दो कर दिए ऐसे ही सेम ये क्लोरीन है दैट मीन्स कितने क्लोरीन है दो क्लोरीन है इसलिए मैं ऐसे कर दी और यहां पर लिखूंगी सीएल माइनस कि मतलब एक ठो क्लोरीन आइटम एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया इसलिए सीएल माइनस हो गया और यहां पर टोटल दो है इसलिए आगे मैं टू लिख दी ये हो गया ये हो गया कैल्शियम आयन ये हो गया क्लोराइड आयन, आयन लिख देना अभी ये लोग पास पास आएंगे अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अपोजिटली चार्ज आयंस बस और हम लोग को मिल जाएगा एक आयनिक कंपाउंड अगेन सी ए सी एल टू तो सी ए सी एल टू आयनिक कंपाउंड है ठीक है क्योंकि इसके इसके बीच में जो बॉन्ड है वो है आयनिक बॉन्ड तो बच्चों ये भी हो गया और कहाँ गया और तो शायद नहीं है तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है होमवर्क <laughs> चलो आप लोगों को दिखाना है फॉर्मेशन ऑफ के ठीक है के दिखाना है और 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 कैल्शियम ऑक्साइड दिखाना है ठीक है ये आप लोगों को शो करना है फॉर्मेशन ऑफ के सी एल एंड वट्स कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक बॉन्ड के थ्रू आप लोग दिखाओगे याद रखना बच्चों हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला से देख सकते हो कि भाई कैल्शियम तो मेटल है ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा और जो कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं हम लोग उसको आयनिक कंपाउंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना कोवलेंट बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे क्या नेक्स्ट पार्ट में नहीं करूंगी इसी में कंटिन्यू कर लूंगी ठीक है अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कोवलेंट बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड ये नया है आप लोगों के लिए है ना आप शायद कोई कोई पढ़ा होगा क्लास सेवन में बट uh, ये नया है बच्चों मेरे हिसाब से तो देखो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है जैसे कि आयनिक बॉन्ड आप लोग पढ़े थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है आयंस के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ना नॉन मेटल्स के ही बीच में बनेगा मतलब नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है कौन सा बॉन्ड हमेशा याद रखना कोवलेंट बॉन्ड ठीक है सो कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स अब अब ये जो नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है बॉन्ड ये या तो एक जैसे नॉन मेटल हो सकते हैं सेम सेम नॉन मेटल्स या फिर डिसिमिलर नॉन मेटल्स मतलब या तो एक जैसे नॉन मेटल हो सकते हैं उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है या फिर अलग अलग नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बन सकता है लेकिन नॉन मेटल्स के ही बीच में बनता है बच्चों उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड अभी नॉन मेटल्स शेयर दर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवल एंड बॉन्ड मतलब नॉन मेटल्स लोग क्या करते हैं मैं जो आप लोगों को बोली ना अभी कि कोवल एन बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पर बोलो हम कैसे बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे का म्यूचुअली शेयर लिख देना चाहिए सो नॉन मेटल्स बच्चों म्यूचुअली शेयर करते हैं मतलब जब भी ये बॉन्ड बनता है ना कोवल एन बॉन्ड तो जैसे कि दो टू नॉन मेटल्स आए हैं तो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे ये 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 जैसे कि नॉन मेटल है ये नॉन मेटल है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा उसको बोलते हैं म्यूचुअल दोनों ही शेयर करेंगे ठीक है और दोनों शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो लोग शेयर करेंगे और वो लोग बॉन्ड बनाएंगे ओके सो दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नोबल गैस मतलब यहां पर भी ये लोग जो नॉन मेटल्स लोग जो पास आके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड बना रहे हैं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं ये लोग भी चाहते हैं कि इनका ये लोग भी नॉबल गैस की तरह बन जाए मतलब टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ देयर नियरेस्ट नॉबल गैस इनके पास वाले जो नॉबल गैस है उनकी तरह बनना चाहते हैं उनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये लोग पाना चाहते हैं इसीलिए ये लोग ना अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं सिमिलरली आयनिक बॉन्ड का भी आप लोग पढ़े थे कि मेटल्स नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्ड क्यों बनाता है यही रीज़न की वजह से ठीक है तो यहाँ पर नॉन मेटल्स लोग जो अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे आउटर मोस्ट लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलो शेयर करेंगे तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जैसे कि यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 H2 कैसे बनता है बच्चों देखो H2 कैसे बनता है मैं यहाँ पर बता देती हूं H2 जो है अरे पेन कहां गया H2 जो है बच्चों देखो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है अब ये एच टू कैसे है दो टू हाइड्रोजन एटम लोग मिल के क्या देते हैं एच टू देते हैं ये नॉन मेटल ये नॉन मेटल दोनों आके बॉन्ड बनाएंगे अब दोनों नॉन मेटल है तो दो नॉन मेटल्स लोग कौन सा बॉन्ड बनाते हैं कोवल बॉन्ड और कैसे बनाएंगे बाई म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स तो जैसे कि ये हाइड्रोजन है तो हम लोग खाली आखिरी इलेक्ट्रॉन को ही ध्यान देंगे तो बच्चों हाइड्रोजन का तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होता है अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखूंगी तो हाइड्रोजन के पास तो वन ही होता है जैसे ये हाइड्रोजन के पास वन है डेफिनेटली ये हाइड्रोजन के पास भी वन है क्योंकि हम लोग को दो हाइड्रोजन बनाना है ठीक है तो दोनों के पास वन वन ही है जैसे कि मैं पहला हाइड्रोजन इसके लिए मैं ऐसे लिखती हूँ एच और खाली लास्ट का इलेक्ट्रॉन तो उसके पास तो आखिरी में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बनाएंगे अपन तो उसको ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को डॉट करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्लस ये हाइड्रोजन के लिए भी हम लोग सेम करेंगे और उसको इधर करना मतलब दोनों ऐसे करके पास आके दोनों ऐसे अपना इक्वल मतलब म्यूचुअल शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए एक ही तरफ बनाना दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है दोनों बांटेंगे अब देखो कैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए एक और मतलब टू जैसे कि हीलियम एक नॉबल गैस है आप लोगों को पता है ना हीलियम के बाहर में टू होता है हीलियम जो होता है उसका ये नॉबल गैस है और उसके पास है ही टू इलेक्ट्रॉन उसके बाहर में टू होता है बच्चों ठीक है आप लोगों को ये सब दिख रहा है ये मैं मैथ्स जो बच्चों लोगों को पढ़ाती हूँ ना मैथ्स मास्ट्री में ये उसका है ओके मैं कभी कभी कर देती हूँ जहाँ जगह मिलता है ओके सो so, एच यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन बना दी यहाँ एच एक इलेक्ट्रॉन बना दी अभी जैसे कि हीलियम का हम लोग को पता है हीलियम एक नॉबल गैस है उसके पास होता है बच्चों दो इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऐसा नॉबल गैस है जिसके पास बाहर के शेल में ऐसे तो ओवरऑल टू इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और बोलेंगे तो बाहर के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास में तो ये नॉर्बल गैस है तो हाइड्रोजन तो भाई आठ इलेक्ट्रॉन्स तो ला सकता है नहीं हाइड्रोजन चाहता है कि यार मैं भी काश ये हीलियम जैसा बन जाऊं काश मेरे बाहर में भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स कब आएंगे जब ये शेयर कर लेगा बिकॉज ये नॉन मेटल यहाँ पर है यहाँ इसको शेयर करना है है ना इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए ना तो ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा मतलब इसको स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ये उतना ही अपना इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाला के साथ शेयर करेगा सिमिलरली ये हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा इसके साथ शेयर कर लेगा मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आप लोग ऐसे पास पास लिखोगे और यहाँ पर आप लोग ऐसे करके दो टो डॉट दे दिए मतलब ये हाइड्रोजन के पास आ गया दो इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के पास भी आ गया दो इलेक्ट्रॉन तो हो गए वो लोग एकदम से स्टेबल समझ में आया और अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे एटमिक मॉडल करके जो बनाते हैं हम लोग तो ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों देखो ये हाइड्रोजन के लिए मैं ऐसे करके गोल बना दी मतलब नॉर्मली न्यूक्लियस का साइन है एक शेल बनाएंगे मतलब आखिरी शेल बनाते हैं तो इसके पास तो आखिरी शेल यही है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा दो प्लस यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही है सेम हाइड्रोजन ही उतना ही बड़ा बनाएंगे मेरा थोड़ा बड़ा ज़्यादा बन गया कोई बात नहीं ठीक है हाइड्रोजन बना दी शेल बना दी आखिरी शेल बनाते हैं तो इसके पास तो एक ही शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है अब बच्चों ये हाइड्रोजन के पास अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन और कैसे आएगा जब ये इसके साथ शेयर कर लेगा तो इन दोनों क्या करेंगे ना अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे तो आप लोग इनके शेल्स को ऐसे ओवरलैप कर देना ऐसे ओवरलैप कर दिए ये हाइड्रोजन के लिए ऐसे एच लिख दो और ये हाइड्रोजन के लिए ऐसे एच लिख दो ध्यान से अब ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है उसको आप यहाँ बना दो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना तो मैं क्या क्यूँ वो हाइड्रोजन का ये शेल है ना तो मैं यहाँ बना दी सिमिलरली ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन का शेल ये रहा तो मैं उसको यहाँ बना दी ठीक है अब देखो अभी ये शेल के अंदर देखो ये हाइड्रोजन के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए ये हाइड्रोजन के अंदर में आ गए दो इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गया स्टेबल सिमिलरली ये हाइड्रोजन के अंदर में ये शेल है दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ये हो गया बच्चों स्टेबल समझ में आया तो ये लोग ऐसे म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं ये लोग म्यूचुअली अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये लोग शेयर करते हैं मतलब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो ये लोग स्टेबल हो जाते हैं अब ये हाइड्रोजन के लिए एच ये दो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे सिंगल बॉन्ड देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब हम लोग हाथ मिलाते हैं तो दो हाथ चाहिए रहता है ना तभी तो ऐसे हाथ मिलता है एक लाइन बना है कि नहीं सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं एक बॉन्ड मतलब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये जो बॉन्ड है वो है कोवलेंट बॉन्ड समझ में आया वैसे ही बच्चों हम लोग बात करेंगे नहीं इससे पहले एक और चीज यहाँ पर मैं लिखी हूँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ इनके बीच में उसका नाम होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसको हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे सिमिलरली हम लोग क्लोरिन का देखते हैं कि सी कैसे बनता है क्लोरिन मॉलिक्यूल तो सी बनाने के लिए हम लोग को दो टो क्लोरिन का एटम को प्लस करना है मतलब दो टो क्लोरीन एटम लोग मिल बनते हैं बच्चों सी तो ये क्लोरिन इसके लिए कैसे लिखेंगे अगर मैं आपको बोलूं इसका इस टाइप से अरेंज करने इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग को पता आखिरी इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करते हैं तो क्लोरीन का होता है के एल एम टू एट सेवन ठीक है टू एट सेवन मतलब इसके आखिरी में सेवन है दोनों जगह हम लोग को क्लोरीन दिख रहा है तो मैं क्या करूँगी लास्ट के इलेक्ट्रॉन को सजा दूंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है प्लस यहाँ भी सेम क्लोरीन एटम जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन दोनों को इस तरफ ही दोनों को मतलब एक एक तरफ ही दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन बनाना क्योंकि ऐसे आप लोग शेयर करता हुआ दिखाओगे अभी ये क्लोरीन के बाहर में सेवन है इसको एट होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए थी क्या करेगा एक और इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा मतलब अपना ही एक इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनो ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए क्योंकि इसके पास सेवन है एक और आ जाएगा तो एट हो जाएगा तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना स्टेबल होने के लिए तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को सामने वाला के साथ शेयर करेगा इसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ये उतना ही अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा वैसे ही हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया था वैसे ये क्लोरीन इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे तो ऐसे पास पास में ऐसे क्लोरीन लिख लेना ये क्लोरीन का यहाँ सजा दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ पर सेवन है अब इसका सजा दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और इसको मैं चाहोगे तो ऐसे सामने सामने सजा सकते हो या फिर ऐसे ऐसे करके सजा सकते हो तो ये बच्चों हो गया ठीक है तो ये बन गया क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन सी एल टू बन गए यहाँ पर भी ये जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये है कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन शायद ये सब कोर्स में नहीं है अच्छा मैं यहाँ पर स्पेस दी थी कोई बात नहीं ये फॉर्मेशन ऑफ वही क्लोरीन मॉलिक्यूल है अच्छा मैं यहाँ पर वो बता देती हूँ वो गोल गोल वाला है ना एटमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बच्चों ये क्लोरीन बनाए हम लोग सी के अराउंड में ऐसे गोल दे दिए मतलब न्यूक्लियस हो गया सिर्फ ऐसे बाहर का शेल बनाना तो बाहर का शेल में कितना बनेगा सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हुआ प्लस यहाँ भी हम लोग को वही क्लोरीन बनाना है तो ट्राई करना कि जो है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है ना उसी हिसाब से यहाँ बनाना मेरा तो बन ही नहीं रहा है सब हिल जा रहा है सेवन सेवन हो गया अब ये क्लोरीन इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए ये क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये लोग अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे म्यूचुअली शेयर कर लेंगे जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन ये लोग म्यूचुअली शेयर कर लेंगे तो आप लोग क्या करोगे सबसे पहले इनका शेल को ऐसे ओवरलैप करता हुआ दिखा देना ठीक है तो ये हो गया सी एल और ये हो गया सी एल अब इलेक्ट्रॉन सजाओ इसका दो इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इसका शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसका ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ये हो गया अब बच्चों अब ये शेल के अंदर पर देखो टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्लोरीन के पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब यहाँ पर देखो टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया दैट मीन्स क्लोरीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं क्लोरीन तो ये बन गया सी एल टू का मॉलिक्यूल तो आपका कोवलेंट बॉन्ड में शायद इतना ही है कोवलेंट बॉन्ड में और ज़्यादा नहीं है ठीक है so, सो ये पार्ट हम लोग यही ख़त्म करते हैं बच्चों पार्ट वन आपका ओवर हो गया पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा थैंक यू